we have to calculate the n factor of these reactants. For example, if we want to calculate the n factor of CU2S, देखिए जो CU2S है, अगर हम इसका n factor calculate करना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये एक तरह से redox reaction के कुछ examples हमें given है। तो redox reaction में जो n factor होता है वो होता है change in oxidation number per molecule। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो CU2S है इसके पूरे molecule में, पूरे एक molecule में इसके oxidation number में कितना change आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो CU जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस वन, बिकॉज एस के ऊपर माइनस टू चार्ज होता है तो वो चार्ज सीयू की सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में आ गया, और एस की सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, मींस वो चार्ज जो है वो किसका चार्ज है, सीयू का, मींस सीयू के ऊपर प्लस वन चार्ज है, मींस सीयू का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है। और एस का भी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ चेंज हो रहा होगा, तो एस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो वो होगा माइनस टू। अब देखिए सीयू का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो आ गया वो आ गया प्लस टू, और S का अगर आप यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो वो आ गया प्लस फोर। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में Cu जो प्लस वन है वो Cu प्लस टू में चेंज हो रहा है, हमें क्लियर दिखाई दे रहा है Cu प्लस वन जो है वो Cu प्लस टू के अंदर चेंज हो रहा है, और दूसरा यहां पे जो चेंज आ रहा है वो चेंज S के अंदर भी आ रहा है, यानी S माइनस टू जो है वो S प्लस फोर में भी चेंज हो रहा है। इट मीन्स अगर हमें CU2S के पूरे मॉलिक्यूल में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो हमें इन दोनों चेंजेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हम CU के अकॉर्डिंग देखें तो चेंज देखिए प्लस वन से कितना हुआ प्लस टू का, मीन्स चेंज कितना हुआ वन का, बट क्योंकि यहाँ पे CU एटम कितने हैं टू, दैट्स वाई नेट चेंज कितने का आएगा टू का। तो CU में अगर चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में देखेंगे तो वो कितना होगा टू का, CU के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज टू का आया। अब देखिए S जो है माइनस टू से प्लस फोर गया, तो माइनस टू से प्लस फोर गया तो जो चेंज है वो चेंज कितना आ रहा है सिक्स का चेंज आ रहा है, और यहाँ पे सल्फर के एटम भी वन ही है, दैट्स वाई नेट चेंज भी कितना होगा सिक्स होगा। तो अगर आप पूरे CU2S में देखेंगे तो चेंज कितना हुआ टू प्लस सिक्स, मीन्स दैट इज एट। तो अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ CU2S जो है उसका n फैक्टर कितना होगा तो वो हमारे पास हो जाएगा एट, यानी CU2S का यहाँ पे n फैक्टर होगा एट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो Fe जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमें कैसे पता चला प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज ये ऑक्सीलेट आयन है C2O4, और ऑक्सीलेट पर माइनस टू चार्ज होता है, और अगर माइनस टू चार्ज होता है तो वो माइनस टू Fe के सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए था बट नहीं आया। इट मीन्स Fe पर भी उतना ही चार्ज है जितना ऑक्सीलेट आयन पर है, तो ऑक्सीलेट आयन पर माइनस टू चार्ज होता है तो Fe पर प्लस टू चार्ज है, क्लियर। और अगर हम लोग यहाँ पे C का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, अगर आप यहाँ C का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे C2O4-2 मीन्स ऑक्सीलेट आयन लेकर, तो वो आएगा प्लस थ्री। अब यहाँ पर भी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है, C का भी चेंज हो रहा है, तो हमें दोनों कंसीडर करने होंगे। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहाँ पे आया प्लस थ्री, और C का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप यहाँ देखोगे तो वो आएगा प्लस फोर। तो अगर आप देखेंगे तो Fe जो है प्लस टू से कितना जा रहा है प्लस थ्री जा रहा है, मीन्स जो चेंज आ रहा है वो चेंज कितना आ रहा है वन का चेंज आ रहा है, और बिकॉज यहाँ पे Fe एटम भी वन ही है, दैट्स वाई नेट चेंज भी कितना हुआ वन। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कार्बन में, तो कार्बन में देखिए कितना चेंज आ रहा है, सी के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो सी जो है वो हो रहा है प्लस थ्री से प्लस फोर, मीन्स चेंज तो वन का आ रहा है बट यहाँ पे सी के एटम कितने हैं टू है। तो अगर कार्बन में देखोगे तो आप वन इंटू टू मीन्स नेट चेंज जो आएगा वो टू का चेंज आएगा। अब देखिए नेट चेंज कितना हुआ इस पूरे मॉलिक्यूल में, Fe C2O4 में नेट चेंज जो आया वो आया 1+2 मीन्स कितना 3। दैट्स वाई ये जो है हमारे पास Fe C2O4 फेरस ऑक्सीलेट का एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना आएगा प्लस 3 आएगा, देखिए कितना आएगा प्लस 3 आएगा, और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करेंगे तो प्लस 2 आएगा, और N का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो वो आता है आपके पास प्लस 5, और यहां N का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं तो वो आता है आपके पास प्लस 2। तो प्लस 5 से प्लस 2 जाने पर कितना चेंज आया 3 का चेंज आया, बट अगर आप देखेंगे यहां पे N कितने हैं तो N जो है वो भी आपके पास कितने हैं 3 हैं, तो नेट चेंज जो होगा 3 × 3 N के केस में जो नेट चेंज आप देखोगे तो 3 × 3 मीन्स दैट इज इक्वल टू 9। नाइट्रोजन के केस में चेंज जो आ रहा है वो 9 का आ रहा है,
जबकि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं Fe प्लस थ्री से प्लस टू जा रहा है, मीन्स चेंज कितना आ रहा है, वन का ही आ रहा है। तो यहाँ पे वन का चेंज Fe के केस में आ रहा है, वन का चेंज किसके केस में आ रहा है, Fe के केस में। तो टोटल कितना हो गया, नाइन प्लस वन, तो नाइन प्लस वन, तो टोटल n फैक्टर हो गया यहाँ पे 10। तो अगर कोई हमसे फेरिक नाइट्रेट का n फैक्टर पूछेगा इस एग्जाम्पल में, तो वो होगा 10। तो देखिए इस तरह से हम लोग जब n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितना चेंज आता है ऑक्सीडेशन नंबर में, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।